सो है गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमएम फोर्जिंग्स लिमिटेड को लेकर। एमएम फोर्जिंग्स लिमिटेड आपको पता होगा कि स्टील जो फोर्जिंग्स है इसके मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है। तो अब यहां से आप लोग देखोगे स्टॉक का प्रीवियस क्लोजिंग क्या था। अभी स्टॉक का प्रीवियस क्लोजिंग था लगभग 1300 रुपये, ठीक है, 1300 रुपये के आसपास था ना प्रीवियस क्लोजिंग। लेकिन अभी के टाइम किस रेंज में आया हुआ है शेयर, अभी के टाइम आया हुआ है 684 के भाव में, यानी कि ऊपर से देखा जाए तो लगभग 48% 50% के करीब जो शेयर है वो फिसला हुआ है। तो क्या कारण है अभी इस बड़ी गिरावट के पीछे, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। आखिरकार क्यों शेयर 1300 से 684 के भाव में आया है, इसके ऊपर चर्चा करते हुए यहाँ पर आप लोग देखोगे इसने पीछे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दिए। भी प्रीवियस वीक में इसने बाउंड वीक हाई भी बनाया था। और यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आज जो गिरावट के पीछे का रीजन है, ये देखो 16 तारीख के दिन कंपनी की जो एक्स डेट है बोनस की, 1:1 में कंपनी बोनस दे रही है और यही सबसे बड़ा कारण है स्टॉक में आज के दिन गिरावट का। यानी कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो उस एक शेयर के ऊपर आपको एक शेयर बोनस के रूप में मिलेगा, जिसकी फेस वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। स्प्लिट में क्या होता है, फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। अब यहां पर फेस वैल्यू सेम रहेगी, एक के ऊपर एक शेयर, यानी टोटल हो जाएंगे 2। तो एक शेयर को आप लोग देखोगे, पहले एक शेयर था ना आपके पास, तो उस एक शेयर को 2 शेयरों में डिवाइड कर दिया जाएगा। फेस वैल्यू पर कोई असर नहीं है, तो 2 शेयरों में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है अभी 50-50%। तो 50% जो एक शेयर था आपके पास वो तो है, और उसकी जगह पर जो एक और शेयर आना है दूसरा वो नहीं है, तो उसी जगह पर आपका क्या है 50% ये लॉस दिखाई दे रहा है। तो ये कारण है भी गिरावट के पीछे। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। तो ये बोनस शेयर कब और कैसे मिलेंगे, तो बोनस शेयरों को लेकर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो हमें करनी पड़ेगी फिर मिलेंगे भाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंपनी ऑटोमेटिक आपके डीमैट अकाउंट में 2 से 3 वीक के अंदर अंदर ये बोनस शेयर जो अभी क्रेडिट कर देगी, तो इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब यहाँ से देखो भी स्टॉक ने पीछे काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए हैं, और इसका जो पी ई रेशियो है वो भी ठीक ही है भाई, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 12 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं। RSI MFI इसके आप लोग देखो, RSI ठीक है 70 के नीचे में, MFI थोड़ा सा हाई 84 के आसपास पहुंचा हुआ है। यहाँ पर देखोगे भी इसका जो हाई रहा है बाउंड वीक 1402 रुपये दिखा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस में इसने जो अभी हाई बनाया 702 रुपये दिखा रहा है बाउंड वीक हाई, तो प्रीवियस में इसने जो अभी हाई क्रिएट किया था, ऊपर से अभी के टाइम जो सिर्फ वो गिरावट में दिखाई दे रहे हैं। तो इसके गिरावट में आने के पीछे का रीजन क्या है, स्प्लिट ये जो बोनस दिया ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो शेयर है पीछे भी इसने अच्छे रिटर्न्स दिए, तो आगे भी चांसेस इसके रहेंगे भी अच्छे रिटर्न दिए, बट चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। 1-2 साल के लिए अगर एक लॉन्ग टर्म पोजिशन बनाना चाहो तो ये स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बट देखो भाई, ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर ही हैंडल होती करनी है भाई, आपको फ्रेश एंट्री लेनी है इन शेयरों में या फिर नहीं, फ्रेश एंट्री के हिसाब से अपना जो रिस्क मैनेज करके ही जो है भी आगे के बारे में सोचना। स्मॉल कैप है, काफ़ी अच्छा चल पड़ा है, आगे भी चलने की संभावना है। इसके अलावा कुछ पूछना भी कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसने जो पीछे रिटर्न दिए थे ना भाई, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ, महीने में 3 महीने में, ठीक है, आप लोग देखोगे 6 मंथ में देखोगे, 1 साल में देखोगे, तो लॉन्ग टर्म में शेयर अच्छे खासे रिटर्न देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।